स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज मैं तुम लोगों को जो दिखाने वाला हूँ ना, वो एक कोरियन कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम है द लास्ट राइड। और इसको अकेले में देखना, हेडफोन लगा कर देखना, और हाँ अगर 18 साल से ज्यादा के हो तभी देखना, क्योंकि ये वो वाली फिल्म है जो बड़े बच्चे देखते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत गू से होती है। गू एक जवान लड़का है जो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि इसे एक बीमारी होती है जिसकी वजह से ये कुछ टाइम में मरने वाला है। और इसे जो भी नर्स चेक करने आती है ना, उसकी अनचाही जगहों पर ये देखने लग जाता है, उसको गलत तरीके से घूरता है। इसके कुछ डिजायर होते हैं, ये मरने वाला है ना, इसकी कुछ विश है, इच्छाएं होती है, हाई वर्जिन होता है। इसने आज तक कभी भी प्यार मोहब्बत नहीं किया होता है, ना किसी लड़की के साथ ना ही किसी। तभी ये ना जितनी भी लड़कियां नर्स कोई भी आती है ना, तो उनको गलत तरीके से गलत गलत जगहों पर देखता रहता है। और इसकी मरने से पहले ख्वाहिश होती है कि ये ना वो करके मरना चाहता है। ठीक है, डरा हुआ है कि अगर मैं बिना सेक्स मर गया तो मेरा क्या होगा। हाँ आई नो, बहुत से लड़के ही सोचते हैं, लड़कियों में से लड़कों का सीक्रेट होता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है अभी और बेड पर अपने दिन गिन रहा होता है। एक रात तो सपने में एक लड़की को बास्केटबॉल खेलता हुआ देखकर इसका सारा खेल खत्म हो जाता है ना। अब इसको काफी शर्मिंदगी होगी, क्या कर दिया मैंने, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए बेड के अंदर ही मूत देता है, सूसू कर देता है भाई, ताकि इसकी मोहम्मद जब इसको चेंज करना है तो उनको पता ना चले। बोम, डैड बहुत परेशान हो गए होते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है। डॉक्टर को बताते हैं जाकर, तो डॉक्टर कहते हैं लगता है उसके दिन अब नजदीक आ रहे हैं मरने के। मोम डैड बोले, बेटा क्या चाहिए, क्या विश है तुम्हारी, अपनी इच्छाएं बताओ, हम उसको जरूर फुलफिल करेंगे। कॉपी रजिस्टर लेकर बैठे होते लिखने के लिए। अब लड़का बोले तो बोले क्या कि मम्मी मुझे करना है, पर चुपचाप रहता है। माता पिता खुद ही गेस करने लग गए होते हैं, क्या क्या चाहिए तो चाहिए क्या, इसको क्यों इतना परेशान रहता है, भाई क्या चाहिए। पिताजी एक सुबह इसको बाहर मूड फ्रेश करने लाते हैं। गो की नजरे वहीं खड़ी एक लड़की पर जाती है और उसके पोम पोम को देख के बहुत कुछ हो रहा होता है। पिताजी बोले, अच्छा मेरे बच्चे को फिटनेस फ्रीक बनना है, वॉकिंग करनी है सुबह सुबह, मेरे बेटे को रनिंग पसंद है। अब इनको कौन बताए कि रनिंग नहीं, उसको शॉकर पसंद है। पिताजी इमोशनल हो गए होते हैं, रात को एक वीडियो भी देख डालते हैं कि एक बाप अपने अपाहिज बच्चे को लेकर कैसे व्हील चेयर पर रेस में दौड़ा था और वो जीत भी गया था। इससे मोटिवेशन लेकर पिताजी ने सुबह वॉक पर जाना शुरू कर दिया। पिताजी पूरे दिन मेहनत करते हैं, कच्चे अंडे खाते हैं पीते हैं और रनिंग करने लग गए ताकि ये अपने बेटे को मैराथन में लेकर जा सके, क्योंकि उसको मैराथन बहुत पसंद है ऐसा इनको लगता है। पर उसको क्या पसंद है तो तुम्हें और मुझे और उसको ही पता है। कुछ दिन हार्डवर्क करने के बाद इसको मैराथन में लेकर आते हैं। गो परेशान है, इसकी शक्ल देखो यार, इसकी क्या चाहिए इसको, तुम्हें क्या लगता है। बेचारा पिताजी ने दौड़ना शुरू किया और इसके मुंह पर कुछ आ गया जो कि टावल था और बेचारे की सांसें रुकने लगी। भाई सेक्स चाहिए उसको, सेक्स दे दो, क्या कर रहे हो उसके साथ तुम लोग। खैर पिताजी कुछ चक्कर खा के गिर जाते हैं और गो की व्हील चेयर जाती है खाई में। और आधी रात को एक ट्रक ड्राइवर को मिलती है कि ये करने से पहले भाई मर जाएगा, ये करवा दो इसका वो। खैर न्यूज में खबर फैल गई होती है कि एक अपाहिज अनाथ लड़का रोड साइड पर पड़ा हुआ मिला। कैसे निर्लज माँ बाप है जो अपने बच्चों को ऐसे बाहर फेंक देते, उनसे प्यार नहीं करते, ऐसे अनाथ कर देते। ये न्यूज गो के दो फ्रेंड नामजून एंड गैंगटोक ने भी सुनी होती है और दोनों गो के बेस्ट फ्रेंड होते। भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं और सब पता चलता है कि मैराथन की वजह से हुआ था। हालांकि वैसे भी आते रहते हैं इससे मिलने कभी कभार, पर मॉम ने इस बार बता दिया कि गो की तबीयत बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी कंडीशन खराब होने की वजह से अब वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। अब मॉम की टेंशन को देखकर दोनों लड़कों ने उनका भला करने का सोचा जिससे गो की फैमिली को अच्छा अच्छा फील हो। एक मूवी देखी थी इन लोगों ने जिसमें दो दोस्त अपने एक अपाहिज दोस्त को व्हील चेयर पर बैठा कर उसको बीच पर ले जाकर मस्ती करवाते हैं। रात को दोनों निकल पड़ते हैं गो के हॉस्पिटल और उसको वहां से किडनैप करके अपने टूटे स्कूटर पर बैठा कर भाई सुबह तक बीच लेकर आते हैं। पर अपॉइंटमेंट मिलती है क्योंकि पूरे बीच पे ना कूड़ा कवाड़ा फैला होता है भाई। मूवी देखी होती है इन लोगों ने, तो वैसे इसको व्हील चेयर पर बैठा कर खींचने लग जाते हैं और रेत सैंड में कहाँ पहिया घूमता है भाई, उठ के गिरता है इतनी बुरी तरह। गो इसकी शक्ल देखो यार भाई, उसको सेक्स दिला दो यार प्लीज। अब तो इस मूवी के इस वाले पार्ट तक तो मेरे को बुरा लगने लग गया था इसके लिए कि दिला दो यार उसको। खैर इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर आते और मोम ने दोनों लड़कों को बहुत मारा, कहाँ लेके गए थे मेरे बच्चे को। अगले दिन नामजून गैंगटोक दोनों वापस हॉस्पिटल आए होते गिफ्ट लेकर और माफी मांगते। इन्हें लगता है कि अगर ये अपने फ्रेंड की लास्ट विश पूरी करेंगे तो तीनों को हेवन में जगह मिलेगी। बस गेस करने लग गए होते क्या चाहिए। वो परेशान होकर चिल्लाता है, मुझे सेक्स चाहिए, सेक्स।
दोनों लड़के समझ गए होते कि आखिर इसको किस चीज की भूख लगी हुई है ना। वो बोलता है कि मैं वर्जिन हूँ और मैं वर्जिन ही नहीं मरना चाहता, कम से कम मरने से पहले एक बार तो मैं वो चीज ट्राई करूँ। दोनों लड़कों ने ठान लिया चाहे जो हो जाए विश तो पूरी करके ही रहेंगे और लड़की खोजने जाने लगे। गो रोक के बोला, सुनो ऐसी लेकर आना जिसका फिगर सेक्सी हो। फरमाइशें देख रहे हो भाई की। खैर दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, और कहाँ से लाए लड़की। सबसे बड़ी टेंशन तो ये होती क्योंकि एक लड़की खोजना हो भी इस काम के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये लोग छोटे हैं, स्कूल में पढ़ते तो उनको ज़्यादा दुनिया जहान के बारे में सब पता नहीं होता। सबसे पहले स्कूल की ना कुछ लड़कियों से मिलते हैं, एक से बोलते हैं कि हमने सुना है तुम एरिया में वो करती हो। क्या करती हो? एक खींच कर आपटा देती है इसके। ऐसी सभी लड़कियों से जा जाकर बोलने लग गए होते, सोगी सोगी सोगी, और भाई बहुत पिटते हैं क्योंकि भाई अब तुम किसी लड़की से जाकर ऐसा बोलोगे तो पिटाई तो पड़ेगी। एंड मैंने इनका मुंह कुछ ऐसा हो गया होता, दोनों का मुंह देखो, पर हार नहीं मानेंगी भाई। नहीं नहीं नहीं, पर कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है, करे तो करे क्या, उम्मीदें धुंधली होती नजर आ रही हैं। तभी नामजुन बोला, मेरे घर पे ना मेरी बहन है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पहुंच चुका था मूवी में कि भाई क्या दोस्त है ये, अपनी बहन को कुर्बान कर रही है। सॉरी फिर ये अपने घर आता है और अपनी बहन से बोलता है, सुनो उसकी बहन बहुत डेंजरस होती है, मुंडी ऊपर करती है ना, दिन भर एक्सरसाइज करती रहती है, फिलहाल ही योगा योगा है ना। तो नामजुन इसके पास आके बोलता है, तुम तो अब जवान हो गई हो ना। लड़की भाई बोली, पापा, और भग गई होती है। नामजुन बात तक नहीं कर पाता पूरी, और इसके पिताजी आते अंदर से निकल कर, बहुत मारा नामजुन को, बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया होता है पीट पीट के। शकल देखो इन दोनों की कैसी हो रखी है, बहुत कोई उम्मीद नहीं हो रही होती, सारे रास्ते बंद हो गए होते, लड़की आए तो आए कहाँ से। तो ये उसे अपने हाथ से सेटिस्फाइड करने का सोचती, पर करेगा कौन भाई, किसके हाथों की कुर्बानी दी जाएगी यहाँ पर, है ना। तो स्टोन पेपर सीजर से सिलेक्शन होता है और नामजुन जीत गया होता है, तो यही करेगा बस। फिर क्या था, नामजुन और ये दोनों चुपके से हॉस्पिटल में घुसते हैं, डोर लॉक किया, पर्दे गिराए, और नामजुन ने हाथ में ग्लव्स पहने और गो की आंखों को कवर किया, और गो का वो खोला और वो निकाला और वो पकड़ा, तभी बाथरूम में से कोई बाहर आ गया। ये गो के पिताजी दबाए, ऐसा भयंकर नजारा देखकर इनके होश उड़ गए होते, भाई क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। नहीं नहीं, तुम इमेजिन करके देखो, एक बंदा हॉस्पिटल में मरने वाला है, ठीक है, और उसके दो दोस्त उसके साथ ये कर रहे हैं, और तभी उसके बाप आगे बाहर देख ले। बस फिर क्या था भाई, मतलब हद होती है। अब इनको पता था ये फिर पिटने वाले, बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं दोनों, पर ना पिताजी को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा, पिताजी की एक आदमी है ना तो समझ जाते कि हाँ हाँ जरूरत होती है, ठीक है जवान लोंडा हो गया। तो पिताजी भी काम पर लग गए होते हैं, और थोड़े बड़े हैं ना, थोड़े ज़्यादा दिमाग वाले, थोड़े ज़्यादा समझ होती है, थोड़े ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होती है, तो लेके पहुँच जाते दोनों को क्लब में। क्लब में बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं यहाँ पर। पिताजी जैसे ही बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल सर्विस चाहिए, तभी एक लड़की चाटा मार के पिताजी को बाहर फेंक देती है, और दोनों लड़के मुँह लटका के बाहर निकलते, तभी इनका टीचर ने देख लिया इनको। बस फिर क्या था, अगले दिन स्कूल में मुर्गा बना के मारा भाई दोनों को, तुम हरामी हो, पढ़ने लिखने की उम्र में वहाँ क्यों गए थे, हैं आग लगी हुई है, कहाँ आग लगी है, बुझाऊँ मैं। पर गो के पिताजी अगर सही टाइम पर सब बताते टीचर को और दोनों को बचा लेते, टीचर ने सब सुना और शौक होते और रिग्रेट भी किया, मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे पता भी नहीं है, मैं ध्यान नहीं रखता कि अपने बच्चों का। और टीचर फिर इन सब को क्लब में लेकर आते हैं, लड़कियाँ इनको पहचान लेते क्योंकि टीचर यहाँ के VIP कस्टमर हैं, रोज आते हैं यहाँ पर। मजाक नहीं कर रहा सच में। बस फिर क्या था, लड़की से डील होती है और दोनों दोस्तों ने गो को अच्छे से कपड़े पहनाए होते, हॉस्पिटल में सुंदर बना दिया होता है, और 30 मिनट बाद एक जवान हसीन और खूबसूरत लड़की रूम में आती है मिशन पूरा करने के लिए, और लड़के बाहर गार्ड का काम कर रहे होते, तभी गो की मोम आ गई, दोनों इनको रोकने लग गए। तभी अंदर रूम में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी चिल्लाने की, और तुम समझ सकते हो क्यों आ रही है वो मैं नहीं बताऊंगा। मोम घबरा गई होती, क्या हो रहा है मेरे मासूम बच्चे के साथ, भागते डोर खोलने वाली होती, तभी पिताजी एक पंच देते मोम को और मोम वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर 3 मिनट बाद वो लड़की रूम से बाहर आती, 3 मिनट, खैर अपन किसी के पर्सनल उस पर नहीं जाएंगे, और पैसे वापस करते बोलती है ना कि जो वर्जिन लड़के होते हैं जिन्होंने पहली बार किया होता है उनको 100% फ्री ऑफर मिलता है, 100% ऑफ होता है उनके लिए, और सारे पैसे देकर जाने लगी। लड़के इसकी कांडनेस देखकर बहुत हैरान होते, क्या फ्री में सर्विस मिल गई,
फाइनली गो बहुत खुश होता है कि चलो इसकी विश पूरी हो गई, पर अपनी ना इमोशनल फीलिंग्स अपने दोस्तों से भी बताता है, बहुत खुश होता है। और कुछ ही दिन बाद जल्दी ही गो की मौत हो जाती है, जो कि सही बात थी। और मरने से पहले उसको याद होता है कि इसके पिता ने इसके लिए कितनी मेहनत की थी, इसकी मॉम कितनी अच्छी थी और मेरे दोस्त कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे। भाई बहुत हेल्पफुल थे भाई, एक तो अपनी बहन कुर्बान करने पर आ गया था तेरी। मरने से पहले लेटर लिख कर गया होता है मुंह से, समझ नहीं आ रहा दोनों को, साले ने लिखा तो लिखा क्या है ये, ऐसा वो बोलते हैं, उनका दोस्त है वो बोल सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो हमारे दोस्त की आखिरी विश पूरी हुई और हमारा दोस्त भले ही कम दिन जिया हो पर अपनी इच्छाओं को पूरा करके मरा है। और इस तरह से ये जो फिल्म होती है खत्म हो जाती है, जो कि एक कॉमेडी फिल्म है और अगर तुम लोग इसको देखते हो तो बहुत ज्यादा हंसी आएगी तुम लोगों को। हालांकि इसमें बहुत सारे कुछ ज़्यादा गलत नहीं दिखाया गया है, बट हाँ इस फिल्म के अंदर है बहुत बहुत फनी मूवी है ये, द लास्ट राइड नाम है। किसी को देखनी हो तो मेरे को इंस्टा पे बता दिया कर, मैं दे दूंगा तुम लोगों को। और हाँ इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों को इस एक्सप्लेनेशन में नहीं दिखा सकता था, नहीं बता सकता था, बिकॉज थोड़ा होता है ना वो। ओके, और हाँ वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। मेरे को मूवी पर्सनली भी बहुत अच्छी लगी क्योंकि आखिरकार उसकी विश तो पूरी हुई लड़के की जो भी था वो। और मतलब तुम्हारी भी कोई ऐसी इच्छा है जो तुम ऐसे मरने से पहले पूरी करना चाहते होगे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। हर लड़कों की तो पता है मेरे को क्या। चलो मिलता हूँ, तकली बाय।